हेलो स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट नॉर्बर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दमोह। आज इस वीडियो सेशन में मैं आपको कक्षा तीसरी विषय हिंदी का पाठ 8 कुछ कर दिखलाएंगे कविता का भावार्थ समझाऊंगी। बच्चों, तो सबसे पहले हम कठिन शब्द के अर्थ देखेंगे, उसके बाद कविता का भावार्थ समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम शब्दार्थ। कठिन, कठिन का अर्थ होता है मुश्किल। संघर्ष अर्थात जूझना या टकराव। पथ अर्थात रास्ता। वक्ष अर्थात छाती। उन्नति अर्थात तरक्की या ऊंचाई। गिरी अर्थात पर्वत। निज अर्थात अपना। कीर्ति अर्थात यश। हित अर्थात फायदा। तो बच्चों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब हम कविता का भावार्थ समझेंगे। गीत प्यार के गाएंगे हम, सबको गले लगाएंगे हम। संघर्षों से क्या घबराना, आगे बढ़ते जाएंगे हम। प्यार के गीत गाते हुए हम सबको गले लगाकर आगे बढ़ना चाहिए और हमें कभी भी संघर्षों से नहीं घबराना चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। माना पथ कठिन है लेकिन धीरज नहीं डुलाएंगे। वक्ष चीर के चट्टानों के रास्ता नया बनाएंगे। कठिन रास्तों में भी मार्ग बनाते हुए कठिनाइयों से जूझते हुए हमको आगे बढ़ते जाना चाहिए। हमें कभी भी अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। जन जन में सद्भाव प्रेम के सुंदर भाव जगाएंगे। एक धर्म है एक जाति है बात सदा दोहराएंगे। लोगों में प्रेम सद्भाव तथा समानता के भाव जगाते हुए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और हम सभी एक ही धर्म और एक ही जाति के हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। उन्नति गिरी पर निज भारत की कीर्ति ध्वजा फहराएंगे। माँ तेरी सौगंध देश हित कुछ करके दिखलाएंगे। प्रगति और सफलता के शीर्ष पर भारत के विजय की कीर्ति पताका फहराते हुए हमको आगे बढ़ते जाना चाहिए और माँ तेरी हम सौगंध खाते हैं कि हम देश के लिए कुछ करके दिखलाएंगे। तो बच्चों, इस कविता का जो सारांश निकलता है वो क्या है कि आप सभी देश के भविष्य हैं और आप सभी को देश के लिए कुछ करके दिखलाना है। बच्चों, अब बारी है आपके गृह कार्य की। तो आपको पाठ 8 कुछ कर दिखलाएंगे अपनी पाठ्य पुस्तक से पूरा पढ़ना है और दिए गए अभ्यास कार्य को अपनी हिंदी फेयर कॉपी में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।